हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं पप्पू निषाद जी, उनको जीत दिलाने के लिए हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय राम वृक्ष यादव जी के नेतृत्व में पांचों विधानसभाओं से लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, और हम लोग जो है मीटिंग बनाए हैं यहाँ की, उनको एकजुट होकर के सारे कार्यकर्ता सारे समर्थक लोग एकजुट होकर के फील्ड में उतरे चलें और उनको भारी से भारी मात्रा में जीत दिलाने का हम लोग काम करें। देखिए, बसपा की जो चाल है वो चाल विफल हो गई है। आज पूरे प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का मुसलमान आज आशा भरी निगाह से अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। मिनिस्टर साहब, कैबिनेट के मंत्री होने के बावजूद है सपा के लोगों ने वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इनका प्रोटोकॉल है, इनके साथ सारा अमला है, इनकी प्रशासन की सारी व्यवस्था है, और एक आदमी, गरीब आदमी इनकी नाक को काट के चला गया, ये मेरे समझ में बात नहीं आती है। ये तो एक साजिश है। ये जब सपा के कार्यकर्ता कैबिनेट मंत्री की नाक काट सकते हैं तो आम जनता कैसे सुरक्षित? देखिए, हम बताएं, ऐसा कुछ नहीं। जो ये संदेश देना चाहते हैं, इस संदेश में जनता जब इस क्षेत्र में जा रहे हैं, अभी आलापुर क्षेत्र में गए थे, अभी अन्य क्षेत्रों में गए थे, वहाँ पर जा रहे हैं, जब जनता इनसे सवाल कर रही है कि आपका बेटा सांसद है रहा है, आप मंत्री रहे हैं, हमारे क्षेत्र की ये दुर्दशा है, हमारी हमारा घर कट गया, हमारी झोपड़ी नहीं बनी, हमारा घर नहीं बना, अब तक कहाँ थे आप? ये बात सुनने पर इनके शायद बीमारी है बीपी की, ये ब्लड प्रेशर इनका हाई हो जा रहा है, ये तैस में आ जा रहे हैं, अनाप शनाप बोलना चालू कर दे रहे हैं। उसी क्रम में वहाँ भी किसी ने अपने गांव के विकास के बारे में आदरणीय मंत्री जी से सवाल किया और ये आग बबूला हो गए और उसको मारने के लिए दौड़ाए। इसी में कहीं चोट चपाट, तब इनके साथ तमाम गन लेके चलते हैं, कार्बाइन कहीं लग गई होगी, कट गया होगा। राम स्त्रिया काला दाब गोर लागतानी। हमारा नाम भाई अमित प्रताप मिश्र, हम पहुँचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर के दनघटा विधानसभा में, और लोकसभा चुनाव का चुनावी सरगर्मी तेज हो गई बा। पूर्व जिला पंचायत सदस्य आप रहे, बहुत बहुत स्वागत सर। देखिए, आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं पप्पू निषाद जी, उनको जीत दिलाने के लिए हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय राम वृक्ष यादव जी के नेतृत्व में पांचों विधानसभाओं से लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, और हम लोग जो है मीटिंग बनाए हैं यहाँ की, उनको एकजुट होकर के सारे कार्यकर्ता सारे समर्थक लोग एकजुट होकर के फील्ड में उतरे चलें और उनको भारी से भारी मात्रा में जीत दिलाने का हम लोग काम करें। ऐसे पीडीए क्या है? पीडीए क्या है, देखिए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, महिला और अगड़े में जो गरीब है, हम गरीबों की, उन अगड़ों की भी वकालत करते हैं जो गरीब हैं, अभी बहुत गरीब हैं, ऐसी बात नहीं है, इसलिए हम उनकी बात करते हैं। और ये गरीबों, सुस्तों, पिछड़ों, दलितों की ही पार्टी है मीडिया। क्या करेंगे, अब की बार का कमाल हुई, आज के ही दिन वोट पड़ने वाला है, कमाल होगा। ये समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है आदरणीय पप्पू निषाद जी, इनको जो है इनकी जीत पक्की है। ऐसे जीत पक्की है, समाजवादी पार्टी के लोग हमला कर दे रहे हैं कैबिनेट मंत्री? नहीं, समाजवादी पार्टी के नहीं, जिस गांव में माननीय मंत्री जी गए थे वहां, उस गांव में निषाद बेटी की शादी थी और निषाद परिवार ने ये उसके पास फोन किया कि हम तुम्हारे शादी में हम आना जा रहे हैं, उन्होंने मना किया कि आप मत आइएगा, हमारे समाज के लोग आपसे वादा किए थे यहाँ कोई सड़क के लिए, तो आपने सड़क का कोई काम ऐसा नहीं कोई काम किया, मैंने इसलिए जनता वहाँ की नाराज थी, ये पहुँच गए, मना करने के बाद पहुँच गए, जनता जब पहुँच गए तो ये मंत्री जी गए हैं वहाँ, तो मंत्री जी को सब लोग गए वहाँ देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए, भाई मंत्री जी आपने जो है ये वादा किए थे आपके बेटा जो है काम नहीं हुआ, तो इसी पर मंत्री जी ने जो है गंगा गए और कहा सुनी कुछ हो गया आपस में, तो निषाद परिवार के ही लोगों ने जो है उनसे प्रश्न पूछना शुरू किया और उसके बाद मंत्री जी ने जो है हाथ उठाया मारने के लिए, उसी में जो है उन्हीं का चश्मा जो है गिर गया, उनकी नाक कट गई। और नाक कटने के क्या संदेश है, ये जो नाक कटी इसका क्या संदेश? अब नाक तो पहले ही कट गई, अभी तो 25 तारीख बाकी है,
तो क्या कमाल होगा, जो कमाल होगा कि जो पहले ये संदेश जा रहा है, पहले नाक कट गई, अब कहानी खत्म हो गई उनकी। क्या कहेंगे अभी?